सादर प्रेषित है कि रेलवे एम्प्लाइज कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड जयपुर की होने वाले संचालक मंडल के चुनाव के लिए उत्तर पश्चिम रेलवे मजदूर संघ के सामान्य सीट पर प्रवीण सिंह चौहान, एससी आरक्षित सीट पर मीठालाल मीना, एससी आरक्षित सीट पर राजेश कुमार फुलेरा, शाखा के लिए सामान्य सीट पर विष्णु कुमार चौधरी, बांदीपुरी शाखा के लिए सामान्य सीट पर मीठालाल मीना, अजमेर शाखा के लिए दो सामान्य सीट के लिए अश्विनी कुमार, मुकेश कुमार, महिला आरक्षित सीट के लिए श्रीमती विनोद शर्मा एवं वेस्ट सेंट्रल रेलवे मजदूर संघ ने कोटा की तीन सामान्य सीट के लिए विपिन बिहारी शर्मा, अविनाश शर्मा, मट्टूलाल मीना, महिला आरक्षित सीट के लिए अनिता गोचर ने अपना नामांकन दाखिल किया। जो सभी नामांकन वैध पाए गए, सभी उम्मीदवारों ने अपना नामांकन पूरे जोर शोर से उत्तर पश्चिम रेलवे मजदूर संघ जयपुर मंडल मुख्यालय से बहुत बड़ी रैली के रूप में दी। रेलवे एम्प्लॉयज कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड जयपुर मुख्यालय पर पहुंचकर अपना नामांकन निर्वाचन अधिकारी उषा कपूर सत्संगी के समक्ष पेश किया। इस दौरान रैली में उत्तर पश्चिम रेलवे मजदूर संघ के जोनल अध्यक्ष विनोद मेहता, जोनल महामंत्री एस आई जैकब, जयपुर मंडल अध्यक्ष सौरभ दीक्षित, मंडल महामंत्री महेश शर्मा, वेस्ट सेंट्रल रेलवे मजदूर संघ कोटा के मंडल सचिव अब्दुल खालिक के साथ अनिल सैनी, नरेंद्र गंभीरा, के यादव, मुकेश मीना, UPRSMS जयपुर मंडल पदाधिकारी मोहन पुनिया, राजेश मीना, दीपक कुमार, सुनील यादव, मनीष शर्मा, प्रमोद डांगी, शाखा पदाधिकारी याकत अली, अनिल चौधरी, अर्जुन कुमावत, सोहन मीना, मंजू मीना, सुधीर उपाध्याय, लोकेश कसाना, राजेश जांगीर, लोकेश नारद, हरिवल्लभ गुर्जर, सुभाष गुर्जर, नेमी चंद गुर्जर, विजेंद्र सैनी, बबलू कैसी, यूथ विंग अध्यक्ष राजेश गुर्जर, कविता मीना, रीना मीना, पृथ्वी सिंह यादव, निकेंद्र सिंह शेखावत, गुलाब सिंह, श्रवण चौधरी, रमेश निठारवाल, पवन सैन, मंजूर अहमद, जीताराम सहित सैकड़ों कर्मचारी नामांकन रैली में शामिल हुए।